दोस्तों अगर आप एक हैं Redmi Note 9 Pro यूज़र तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं MIUI 13 के बारे में कि कब तक ये लॉन्च होगा और कब तक आपके स्मार्टफोन में रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। नाम मतलब आप देख रहे हैं इंडिजनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों सबसे पहली बात आती है MIUI 13 के लॉन्च डेट की कि कब तक ये लॉन्च होगा और कब तक आपको रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ आपको चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू आपके MIUI 12 के। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ आपको नए एनिमेशन देखने को मिलेंगे, नई थीम्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये लाजिम सी बात है कि अगर पुराने से कुछ नया लाना है तो उसमें एनिमेशन, थीम्स वगैरह ये सब तो चेंज होना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड यूज़र इंटरफेस भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बार आपको बैटरी जो है परफॉर्मेंस वो थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलने वाली है, ड्रेनेज आपकी कम होने वाली है, यानी इम्प्रूवमेंट की गई है जिससे बैटरी ड्रेन कम हो, तो यानी इम्प्रूवमेंट इन ड्रेनेज ऑफ बैटरी। अब इसको इस टर्म मतलब लीजिएगा कि ड्रेन जल्दी होगी, यानी बैटरी आपकी आराम से ड्रेन होगी, उतनी ज़्यादा तेज नहीं ड्रेन होगी, आप ये समझ सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक और इम्प्रूवमेंट की गई है कि आपका फास्ट चार्जिंग को और ज़्यादा इन्हांस्ड कर दिया गया है, यानी आपका स्मार्टफोन अब थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरीके से और जल्दी चार्ज होने वाला है। इसके साथ इन्होंने ऐड किया है इंस्टेंट वीडियो फिल्टर्स और फोटो फिल्टर्स। अगर आपको तुरंत एडिट करना है आपके वीडियो को या फिर फोटो को तो इंस्टेंटली आप वहाँ पे इसके फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करके वो कर पाएंगे, क्योंकि अब ऐसा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और खासकर अगर आप सोशल मीडिया के शौकीन हैं और उसके नोटिफिकेशन के शौकीन हैं तो आपके लिए भी एक और एडिड फीचर है कि अब आप जो है इंस्टेंट रिप्लाई कर पाएंगे उन नोटिफिकेशन पे, तो यानी इन्हांसमेंट आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जो आपको नए और पुराने जो आपके ऐप्स होते हैं उनके जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, उनमें आपको इजीली डिफरेंशिएट करने में और इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी, इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपको देखने को मिलेगा, आप उसको ज़्यादा ईजिली कर पाएंगे, आपके लिए काफ़ी ईज होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होंगे इसकी फंक्शनैलिटीज़, और कुछ और एडेड फीचर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, डार्क मोड थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, लैग फ्री स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे टच सेंसिटिविटी भी बढ़ाई गई है जिससे आपका जो डिस्प्ले होगा और अच्छे तरीके से काम करेगा, आपके रिस्पॉन्सेज जो होंगे टच के वो और ज़्यादा बेटर होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐडअप की गई हैं। अब फाइनली बात आती है कि ये आप एक्सपेक्ट कब तक कर सकते हैं कि कब तक आपका ये फोन्स में रोल आउट होना शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात आती है MIUI 13 के लॉन्च की। तो लॉन्च की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो लॉन्च जो है ये आपका फर्स्ट क्वार्टर में हो जाता है, आपका मई हो गया, जून हो गया, तो इसके आसपास तक आपका ये डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा इस तक। तो अब ये डेट के बाद आपका फिर Xiaomi रिलीज करते हैं अपने वेबसाइट पे कि किन किन स्मार्टफोन में आपका ये वाला है, तो वो क्वार्टर वाइज या शिफ्ट वाइज ऐसे देते रहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछला MIUI 12 वाला वीडियो बताया था उसमें आप लोगों को बताया गया था कि आपको जो है फर्स्ट क्वार्टर में इतने मिलेंगे या सेकेंड बैच में इतने मिलेंगे, थर्ड बैच में इतने मिलेंगे, तो इस हिसाब से आपको जो है अपडेट्स देखने को मिल रहे थे, तो जिसमें कुछ कुछ डिवाइसेस का नाम था। अब देखिए ये लिस्ट बाद में आएगी, लेकिन अगर मैं आपके स्मार्टफोन की बात करता हूँ, आपके Redmi Note 9 Pro की बात करता हूँ, तो ये आपका एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है करेंटली, तो यहाँ जो आपको अपडेट देखने को मिलेगा वो पहले देखने को मिलेगा, यानी जैसे ही आपका लॉन्च होता है उसके एक दो महीने के अंदर सारे डिवाइसेस में ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि बहुत सारे मिलियन ऑफ डिवाइसेस सोल्ड करती है Xiaomi, तो एक साथ अगर समय रोल आउट करती है तब भी एक डेढ़ महीने का आराम से टाइम लग जाता है, तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समवेयर आपका जुलाई अगस्त यानी लॉन्च के आपके दो महीने बाद ये आपको देखने को मिलेगा। और हालांकि जो फीचर्स हैं दोस्तों और जो इसकी कंपैटिबिलिटी है वो अलग अलग डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगी, जैसे और कई सारे जो इसके स्मार्टफोन होंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगी ये, लेकिन आपका ये लेटेस्ट है तो इसमें आपका मस्ट है कि आएगा ही। अब यहाँ बात आती है कि क्या ये ऑफिशियली अनवील किया गया है या नहीं किया गया है, तो देखिए दोस्तों अभी जो है Xiaomi ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं जिनको सब कुछ पता लग जाता है लीक्स से या फिर Xiaomi के किसी आउटर सोर्सेस से, आप कह सकते हैं कि खुफिया सूत्रों से जिनको पता चलता है,
तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया गया है कि इसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यही एक नए सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ अलग यूज़र इंटरफेस उसमें आपको देखने को मिले, कुछ जो उनकी डिस्प्लेज वगैरह हैं वो ज़्यादा बेटर हो जाए और फीचर्स जो है वो इन्हांसमेंट उसमें कर दिया जाए, जो और दिक्कतें थी उनको भी अच्छा कर दिया जाए, बस यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।